हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल. माय नेम इज भार्गवी पटेल एंड हियर आई एम गोइंग टू टीच यू स्टैंडर्ड टू मैथमेटिक्स. अब हम हमारे लेक्चर टू में भी रिवीजन ही चालू रखेंगे जो हमने पहले लेक्चर में किया था. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है. आपके पास वर्कशीट होगी, आपको उसमें देखना है और साथ में लिखना भी है. ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन टू. राइट आफ्टर नंबर्स. आफ्टर नंबर मीन्स ये जितने भी डिजिट दिए हैं उसके पीछे वाले नंबर्स हमें लिखने हैं. यानी कि अगर हम 1 से 10 तक या 1 से 20 तक के कोई भी नंबर हो, अगर फॉर एग्जांपल 2 नंबर है तो 2 नंबर के आफ्टर नंबर क्या होगा? 2 के बाद क्या आएगा? 1, 2, 3. तो 2 के आफ्टर नंबर्स क्या आएगा? 3. तो सेम ऐसे ही हमें ये सारे नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, अगर आपको इसमें अगर परेशानी हो रही है करने में तो आप पहले साइड में 1 से 20 तक के सारे नंबर लिख सकते हैं. तो पहले हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर नंबर्स लिखते हैं. ठीक है, तो हमारा पहला क्या है? 18. 18 के बाद क्या आएगा? ये रहा 18. 18 के बाद है 19. तो हमारा आंसर आएगा 19. सब सेम इसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. सेकंड क्या है? 5. 5 के बाद क्या आएगा? 6. तो हमारा आंसर आएगा 6. फिर क्या है? 8. ये 8. 8 के बाद क्या आएगा? 9. तो हम इधर लिखेंगे 9. फिर क्या है? 9. तो ये 9. 9 के बाद क्या आएगा? 10. तो हम इधर लिखेंगे 10. फिर क्या है? 19. ये रहा 19. 19 के बाद क्या आएगा? 20. तो हम इधर लिखेंगे 20. फिर क्या है? 10. ये रहा 10. तो 10 के बाद क्या आएगा? 11. तो इधर हम लिखेंगे 11. फिर क्या है? 17. तो ये रहा 17. इसके बाद वाला कौन सा आएगा? 18. तो इधर आंसर आएगा 18. फिर क्या है? 11. तो 11 के बाद क्या आएगा? 12. तो हमारा आंसर इधर आएगा 12. फिर क्या है? 3. 3. 3 के बाद क्या आएगा? 4. तो ये हमारा आंसर होगा 4. फिर क्या है? 12. ये रहा 12. 12 के बाद क्या आएगा? 13. तो इधर हम लिखेंगे 13. फिर क्या है? 14. तो ये रहा 14. 14 के बाद क्या आएगा? 15. तो हमारा आंसर होगा 15. लास्ट में क्या है? 15. 15 के बाद क्या आएगा? 16. तो हमारा आंसर होगा 16. ठीक है, तो ये थे हमारे सारे आफ्टर नंबर्स. आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट बिफोर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट बिफोर नंबर्स. ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. राइट बिफोर नंबर. बिफोर नंबर मतलब जो नंबर है हमें डिजिट दिए हैं सारे उसके आगे वाले नंबर लिखने. अगली क्वेश्चन में जैसे हमने पीछे के लिखे थे सेम ऐसे हमें इसके आगे वाले लिखने. तो पहले हम 1 से 20 तक के सारे नंबर लिख लेते हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्या है? 5. तो 5. 5 के बिफोर क्या आएगा? 4. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4. ऐसे सारे करने हैं. सेकंड नंबर क्या है? 10. ये रहा 10. 10 के पहले क्या आएगा? 9. तो हमारा आंसर होगा 9. फिर है 16. 16. 16 के पहले क्या आएगा? 15. तो हमारा आंसर होगा 15. फिर क्या है? 9. तो 9 के पहले क्या आएगा? 8. तो हमारा आंसर होगा 8. फिर क्या है? 20. 20 के पहले क्या आएगा? 19. तो हमारा आंसर होगा 19. ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 18. ये रहा 18. तो 18 के पहले क्या आएगा? 17. तो हमारा आंसर होगा 17. फिर है 11. ये रहा 11.
तो 11 के पहले क्या आएगा, ये वाला 10, तो ये रहा आंसर हमारा 10। अब क्या है 8, ये रहा 8, 8 के पहले क्या आएगा 7, तो इधर हम लिख देंगे 7। फिर क्या है 12, 12 के पहले क्या आएगा 11, तो इधर रख देंगे हम 11। फिर है 14, तो ये रहा 14, 14 के पहले क्या आएगा 13, तो हमारा आंसर होगा 13। फिर क्या है 18, तो ये रहा 18, तो 18 के पहले क्या आएगा 17, तो हमारा आंसर होगा 17। और लास्ट में क्या है 17, 17 के आगे क्या आएगा 16, तो हमारा आंसर होगा 16। ठीक है, ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, राइट बिटवीन नंबर्स। राइट बिटवीन नंबर्स, बिटवीन नंबर मीन्स ये जो दो डिजिट हमें दिए हैं हमें उसका बीच वाला नंबर लिखना है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप पहले 1 से 20 तक के सारे नंबर लिख लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब हम इस दो डिजिट के बीच वाला नंबर लिखेंगे। तो पहला क्या है हमारा क्वेश्चन, 11 और 13, तो ये है 11, ये है 13, तो इसके बीच वाला कौन सा है 12, ऐसे हमें लिखना है, ठीक है। ऐसे हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 15 और 17, ये रहा 15, ये रहा 17, बीच वाला कौन सा है 16, तो हमारा आंसर आएगा 16। थर्ड वन क्या है, 5 और 7, ये रहा 5 और ये रहा 7, तो आंसर क्या आएगा 6, इधर लिखेंगे हम 6। फिर क्या है, 1 और 3 के बीच वाला लिखना है, ये है 1, ये है 3, इसके बीच वाला कौन सा आएगा 2, तो हमारा आंसर होगा 2। ये क्या है 18 और 20, ये रहा 18, ये रहा 20, बीच वाला क्या आएगा 19, तो हमारा आंसर होगा 19। फिर क्या है 10 और 12, ये रहा 10, ये रहा 12, तो ये 10 और ये 12 के बीच में कौन सा है 11, तो हमारा आंसर होगा 11। फिर क्या है 17 एंड 19, ये रहा 17, ये रहा 19, ये दोनों के बीच में कौन सा है 18, तो हमारा आंसर होगा 18। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 14 और 16, ये रहा 14 और ये रहा 16, इन दोनों के बीच में कौन सा है 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा 15। फिर क्या है 9 और 11, ये रहा 9 और ये रहा 11, इन दोनों के बीच में कौन सा है 10 नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10। फिर क्या है लास्ट वन, 13 एंड 15, ये रहा 13 और ये रहा 15, इन दोनों के बीच में कौन सा है 14, तो हमारा आंसर आएगा 14, ठीक है। तो ये हमारे सारे आंसर से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो अभी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।